थी और हमारा उद्देश्य भारत को आर्य गणराज्य बनाने का है और हमने 12 ज्योतिषलिंग के दर्शन करने के लिए साइकिल का संकल्प लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा भी अपना कोई देश हो, जैनों हिंदुओं का कोई देश नहीं आज हमारे देश। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए। दोस्तों जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हम इन बाबा जी का इंटरव्यू लेंगे, तो आज इन बाबा जी का इंटरव्यू लेते हैं। चलिए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बाबा जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। हमारा नाम विक्रम बेताल उफ जीवन प्रकाश है। हम दिल्ली के रहने वाले हैं और यात्रा हमने शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर से शुरू की है, जहाँ पर भागवत कथा सुखदेव जी ने प्रथम बार राजा परीक्षित को सुनाई थी। और हमारा उद्देश्य भारत को आर्य गणराज्य बनाने का है और हमने 12 ज्योतिषलिंग के दर्शन करने के लिए साइकिल का संकल्प लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा भी अपना कोई देश हो, जैनों हिंदुओं का कोई देश नहीं आज हमारे देश कोई दुनिया में। बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, ईसाइयों के देश हैं, पर हमारा हिंदुओं का कोई अपना नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे देश का नाम आर्य गणराज हो। आर्य गणराज का मतलब हमारा कहने का है कि हम जैन बौद्ध सिख सब हिंदू जितने भी हैं आर्यों की ही संतान हैं। इसलिए हमारा देश का नाम आर्य गणराज होना चाहिए, जिससे हम किसी में चारों में कोई मतभेद ना पैदा हो। ठीक है। और हमारा उद्देश्य यही है कि भारत में अभी हमारे कुछ जवान जम्मू कश्मीर में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, बैरियर तोड़ के जब वो आगे आए तो उन्होंने उन पर गोली चला दी थी, तो उनको जेल कर दिया गया था। जबकि कोई भी फौजी हत्यारा नहीं होता, वो अपने देश की रक्षा के लिए गोली चलाता है या अपनी रक्षा के लिए चलाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने ये यात्रा इसलिए भी आरंभ किया है क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में मनमोहन सिंह का सरकार था तो उन कुछ नागरिक रैली तोड़ के अंदर आ गए थे, रैली का उल्लंघन किया था, तो फौजियों ने उन पर गोली चला दिया, तो वहाँ की सरकार ने उन्हें जेल दे दिया था। तो ये चाहते हैं कि उनको भी रिहाई मिले। तो दोस्तों आइए हम इनसे कुछ और आगे भी जानते हैं। तो बाबा आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने ये कहाँ से स्टार्ट की, कैसे की? ये तो बेटे इससे पहले भी हमने एक शुरू की थी, छोटी यात्रा थी, शुक तीर्थ की थी, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान, केला देवी और फतेहगढ़ साहिब पंजाब, जहाँ सिखों के दो बेटों को औरंगजेब ने दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था, तो वहाँ तक की यात्रा की थी इन फौजियों के लिए ही। बाबा से और कुछ पूछते हैं। बाबा जी आपने यूपी से कहाँ से यात्रा आरंभ की है? हमने शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर से यात्रा शुरू की थी, जो गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी और ये आपका धौलपुर हो गया, मऊ हो गया, छतरपुर हो गया, रीवा हो गया, इधर से होते हुए महूगंज से होते हुए हम सीधे इधर आए हैं। तो ठीक है बाबा जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत खुशी हुई। ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये अच्छी लगी इंटरव्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।